ये नया वायरस कोविशील्ड पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसकी म्यूटेशन इतना स्ट्रांग है कि यह सभी मात देने लग गया है। हम आपको बताते चलें, 300 बेड अस्पताल के साथ ही 3 मेडिकल कॉलेजों में सरकारी तौर पर 4 निजी अस्पतालों सहित कुल मिलाकर 134 वेंटिलेटर बेड आरक्षित हैं। इस समय 134 वेंटिलेटर पर ऑलरेडी पहले से ही संक्रमित सीरियस मरीज हैं, तो बाकी मरीजों का क्या होगा? इसका प्रशासन के पास कोई जवाब नहीं है। जिस तेजी से संक्रमितों की रफ्तार बढ़ रही है, उसको देखते हुए सरकारी मशीनरी पूरी तरह चारों खाने चित नजर आ रही है। जिधर देखो वहां पेशेंट निकल रहे हैं। एआरएम फाइनेंस संक्रमित, बिजली विभाग के एक्सियन की हालत गंभीर, आवास विकास, क्रिश्चियन कॉलोनी, बिहारीपुर, ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं बचा है जहां संक्रमित नहीं निकल रहे हैं। ऐसा लगता है कि बरेली शहर अब सामुदायिक संक्रमण की तरफ बढ़ने लग रहा है। जिला प्रशासन को इस पर गंभीरता से विचार करना होगा। अगर समय रहते स्वास्थ्य विभाग अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं करता है, तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। जिला प्रशासन को सख्ती से मास्क लगवाना और सैनिटाइजेशन का गली गली प्रबंध करना चाहिए, जिससे कि जो लोग अभी कोरोना की गिरफ्त से बाहर हैं, वे हर हाल में बचे रहें। इधर डीएम नीतीश कुमार ने बताया कि शहर क्षेत्र के मैक्स और साईं सुविधा अस्पताल में 60 बेड सरकारी दरों पर उपचार के लिए आरक्षित करा दिए हैं। साथ ही सभी मेडिकल कॉलेजों को ऑक्सीजन बेड बढ़ाने को कहा गया है। हम बरेली की जनता को ये सब दिखाकर डराना नहीं चाहते, बल्कि जनता को जागरूक रखना चाहते हैं, जिससे कोरोना ग्राफ किसी न किसी तरह से नीचे आए। सिटी न्यूज़ बरेली।